नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली रोजगार पर। दोस्तों तो आज का वीडियो सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे हुए प्रत्येक कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक लेटेस्ट और बम्पर वैकेंसी का अपडेट लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम है BSF भर्ती 2024। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों फाइनली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF की तरफ से न्यू एवं बम्पर वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जो कि दोस्तों यह वैकेंसी ऑल इंडिया की जॉब रहने वाली है। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य या फिर जिले से रहते हो, प्रत्येक मेल एवं फीमेल यानी कि सभी लड़के और लड़कियाँ ही इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, इस वैकेंसी की मुख्य विशेषता यह रहने वाली है कि इसमें आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम होने वाला नहीं है, बिल्कुल ही सीधी भर्ती के माध्यम से इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कक्षा 10वीं एवं 12वीं पास प्रत्येक कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी इस वैकेंसी हेतु इच्छुक हैं एवं अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारी वीडियो पर बिना स्किप करे अंतिम तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो सर्वप्रथम आप सभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF की तरफ से निकाली गई न्यू एवं लेटेस्ट वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे, जो कि दोस्तों यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसकी लिंक आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराई गई है। वहां जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक एक करके संपूर्ण जानकारी को पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। दोस्तों तो यदि BSF की तरफ से निकाली गई न्यू एवं लेटेस्ट वैकेंसी के सर्वप्रथम हम सभी ऑर्गेनाइजेशन नेम यानी कि विभाग की बात करें, तो आप सभी यहां पर देख ही सकते होंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF की तरफ से इस बम्पर वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जो कि आप सभी के लिए पूर्ण रूप से ही गवर्नमेंट जॉब देखने के लिए मिलने वाली है। दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, इस वैकेंसी के अंतर्गत आप सभी के लिए SI, ASI, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल जैसे ग्रुप ABC के विभिन्न पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य या फिर जिले से रहते हो, सभी लड़के और लड़कियां ही इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत अप्लाई करने की प्रोसेस पूर्ण रूप से ही ऑनलाइन माध्यम के जरिए निर्धारित की गई है, यानी कि दोस्तों आप सभी घर बैठे मोबाइल के माध्यम से ही इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस वैकेंसी के अंतर्गत आप सभी के लिए कितने पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो यदि अब हम इस भर्ती के अंतर्गत निकाले गए पदों की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें, इस वैकेंसी के अंतर्गत कुल मिलाकर 141 पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है, जिसके अंतर्गत आप सभी के लिए SI, ASI, कांस्टेबल जैसे विभिन्न पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, BSF के अंतर्गत निकाली गई न्यू एवं बम्पर वैकेंसी के तहत आप सभी के लिए पैरामेडिकल स्टाफ के कुल मिलाकर 99 पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिसमें आप सभी के लिए SI और ASI के विभिन्न पद देखने के लिए मिल जाएंगे। संपूर्ण पदों की जानकारी आप सभी स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा SMT वर्कशॉप के आप सभी के लिए 37 पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसमें आप सभी के लिए SI, व्हीकल मैकेनिक और कांस्टेबल जैसे विभिन्न पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। संपूर्ण पदों की जानकारी आप सभी यहां पर प्राप्त कर सकते होंगे। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए वेटरनरी स्टाफ के 3 पद देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें आप सभी के लिए हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के विभिन्न पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। वहीं इस वैकेंसी के अंतर्गत आप सभी के लिए इंस्पेक्टर के कुल मिलाकर 2 पद देखने के लिए मिल जाएंगे। अब दोस्तों इसके अलावा यदि हम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें, यदि आप सभी ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय से कक्षा 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन पास कर रखी है, तो आप सभी इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, प्रत्येक पदों के हिसाब से आपकी अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है, जो कि यदि आप सभी अलग अलग पदों के हिसाब से अप्लाई करेंगे, तो आप सभी के पास डिप्लोमा होना भी आवश्यक है, जिसकी संपूर्ण जानकारी आप सभी नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते होंगे। दोस्तों वहीं यदि आप हम इस वैकेंसी की एज लिमिट यानी कि आयु सीमा की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें, प्रत्येक पदों के हिसाब से आपकी अलग अलग आयु सीमा रहने वाली है। जैसे कि दोस्तों यदि आप सभी SI स्टाफ नर्स के लिए आवेदन करते हैं, तो इसके लिए आपकी न्यूनतम आयु सीमा 21 और अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। यदि आप सभी ASI पद के लिए आवेदन करते हैं, तो इसके लिए आपकी आयु सीमा 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। यदि आप सभी ASI फिजियोथेरेपिस्ट पद के लिए आवेदन करते हैं, तो इसके लिए आपकी आयु सीमा 20 से लेकर 27 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है।
अब दोस्तों वहीं यदि आप सभी SI व्हीकल मैकेनिक पद के लिए आवेदन करते हैं तो इसके लिए आपकी आयु सीमा 30 वर्ष के बीच रहने वाली है। वहीं दोस्तों यदि आप सभी कांस्टेबल पद के लिए आवेदन करते हैं तो इसके लिए आपकी आयु सीमा 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है, जिसकी संपूर्ण जानकारी आप सभी इस टेबल के माध्यम से प्राप्त कर सकते होंगे। वहीं दोस्तों यदि आप सभी हेड कांस्टेबल पद के लिए आवेदन करते हैं तो इसके लिए भी आपकी आयु सीमा 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच रहने वाली है। वहीं दोस्तों यदि आप सभी इंस्पेक्टर पद के लिए आवेदन करते हैं तो इसके लिए आप सभी की आयु सीमा न्यूनतम 30 वर्ष रहने वाली है। जी हां दोस्तों, संपूर्ण आयु सीमा की जानकारी आप सभी वीडियो को पॉज करके इस टेबल के माध्यम से भी स्टेप बाय स्टेप प्राप्त कर सकते होंगे। वहीं दोस्तों यदि हम इस वैकेंसी की सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आप सभी के लिए बता दें, इस वैकेंसी के अंतर्गत आप सभी का सिलेक्शन 5 चरणों के आधार पर होने वाला है, जिसमें सबसे पहले आप सभी का रिटर्न एग्जाम होगा, उसके पश्चात आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर इस वैकेंसी के अंतर्गत आप सभी के लिए चयनित कर लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, इसमें रिटर्न एग्जाम नाम मात्र का होता है, जो बिल्कुल ही सरल आता है। इसमें मेन मार्क्स आप सभी के लिए फिजिकल टेस्ट के रहने वाले हैं, इसलिए आप सभी के लिए फिजिकल की अच्छे से तैयारी करनी है। वहीं दोस्तों यदि अब हम इस वैकेंसी की सैलरी डिटेल यानी कि वेतन विवरण की बात करें तो आप सभी के लिए बता दें, इस वैकेंसी के अंतर्गत आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा खासा वेतन मिलने वाला है, जो कि दोस्तों यदि आप सभी SI स्टाफ नर्स पद के लिए चयनित होते हैं तो आप सभी के लिए पर मंथ 35,400 से लेकर 1,24,000 का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। यदि दोस्तों आप सभी कांस्टेबल पद के लिए आवेदन करते हैं तो आप सभी के लिए 21,700 से लेकर 69,000 रुपये का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। वहीं दोस्तों यदि आप सभी इंस्पेक्टर पद के लिए चयनित होते हैं तो आप सभी के लिए 44,900 से लेकर 1,24,000 का वेतन मिलने वाला है। अब दोस्तों यदि हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आप सभी के लिए बता दें, यदि आप सभी जनरल OBC और EWS कैटेगरी से आते हैं तो आप सभी 100 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करके इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों यदि आप सभी SC, ST, ESM और फीमेल हैं तो आप सभी बिल्कुल फ्री में ही इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल फ्री में ही इस वैकेंसी के तहत आवेदन मंगाया जा रहा है, इसलिए आप सभी के लिए इस वैकेंसी हेतु अवश्य अप्लाई करना चाहिए। वहीं दोस्तों यदि अब हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो आप सभी के लिए बता दें, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया जा चुका है और इसकी आवेदन प्रक्रिया का प्रारंभ 18 मई 2024 से कर दिया जाएगा और आप सभी 16 जून 2024 तक इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तो यदि अब हम अंतिम चरण में इस वैकेंसी के अंतर्गत अप्लाई करने की प्रोसेस की बात करें तो आप सभी के लिए बता दें, नीचे दी गई इस आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके आप सभी इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक अप्लाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, यह आधिकारिक वेबसाइट आप सभी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। वहां जाकर आप सभी सीधा सिंगल क्लिक के माध्यम से ही इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि इस वैकेंसी से संबंधित आप सभी के मन में और कोई डाउट है तो आप सभी हमको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यदि आप सभी के लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी ही न्यू और लेटेस्ट वैकेंसियों की जानकारी सबसे पहले ही प्राप्त हो सके।